हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेमिनार क्लासेस। आई एम सेमिनार सैफी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ LSE 1 का सॉल्व असाइनमेंट। ये आपका सेल बायोलॉजी का 2020 का सॉल्व असाइनमेंट है और इसके अंदर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आपको हर एक ज़्यादातर क्वेश्चन के डायग्राम भी बताए हैं, तो आप अगर इस तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टूडेंट्स, आपको अपनी फाइल को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके के पेन यूज़ करने हैं, किस तरीके का पेपर यूज़ करना है और किस तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको अपनी फाइल को किस तरीके से मैनेज करना है वो भी मैंने एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा असाइनमेंट मैंने दिखा रखा है बनाकर, जिससे कि अगर आप उस तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर करते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे देखकर अपनी फाइल को प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरीके से ही अपनी फाइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आपके जो एडमिशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जनवरी तक। आप चाहें तो उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। 31 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके के अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है या फिर आपको एडमिशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी असाइनमेंट की सॉल्व PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसे व्हाट्सएप पर मुझसे परचेस कर सकते हैं। सभी असाइनमेंट, चाहे आप BA के हो या फिर BSc के या फिर BCom के, आप किसी भी असाइनमेंट को मुझसे परचेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इनका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। जितने भी ये क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व असाइनमेंट है LSE 1 का। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि TCA साइकिल एंड इट्स रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये इसका आंसर है। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है क्लियरली, और ये इस तरीके की साइकिल आपको जो ब्लैंक पेज होगा फाइल के साइड वाला, वहाँ पर आपको इस तरीके की साइकिल बनानी है और अच्छे तरीके से अपनी फाइल को नीट एंड क्लीन बनाना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, ये इसी का ही आंसर है यहाँ तक। और ये वाला जो आंसर मिलेगा वो आपको चैप्टर 11 के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी अपनी बुक से भी इस आंसर को फाइंड आउट कर उतार सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। तो ये इसका आंसर है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप का, और इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 13 के अंदर। तो आपको अच्छी तरीके से अपने आंसर को बनाना है। और स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप डायग्राम बनाएंगे उतनी ही फाइल आपकी अट्रैक्टिव दिखेगी, और जितनी आपकी फ़ाइल नीट एंड क्लीन होगी उतने ही बेटर मार्क्स आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप वाले क्वेश्चन में बना सकते हैं। और ये डायग्राम मिल जाएगा आपको चैप्टर 13 के अंदर, जहाँ से इस क्वेश्चन को निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है आपका एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वाला जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको ये मिल जाएगा आपको चैप्टर 17 के अंदर, और इसके अंदर भी एक डायग्राम है जो मेरी बुक में क्लियर नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर, और उससे भी डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है यहाँ पे डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो यहाँ पे इनके आपको ये लिखना है डिटेल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड किससे मिलकर बना हुआ होता है। बेसिकली 4 चीज़ों से, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको डिटेल लिखनी है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखें। फिर है यहाँ पे बी नंबर का व्हाट इज़ मेरिस्टम डिस्कस इट्स रोल इन प्लांट। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 20 के अंदर, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 19 के अंदर, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 19 के अंदर। और
क्वेश्चन नंबर बी का आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 20 के अंदर, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर्स को देख सकते हैं और आराम से अपनी बुक से भी इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है आपको डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको जो डिफरेंस बताने हैं वो इस तरीके के टेबल बनाकर बताने हैं जिससे कि आपकी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, और ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको चैप्टर 1 के अंदर। तो आप चाहें तो उसके अंदर से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी है, अदरवाइज़ इतना चल जाएगा आपका, क्योंकि ये आंसर चारों ही आंसर मिलाकर आपके 10 मार्क्स में है, तो इतना मोर देन इनफ है एंड इतना काफ़ी है आपके लिए। बी नंबर पे दे रखा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का आपको डिफरेंस बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाली डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ये वाला जो आंसर मिलेगा वो चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये डायग्राम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप इस वाले डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाने पड़ेंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और ये जो आपका डायग्राम है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट वाले क्वेश्चन के सामने ही इसको आपको बनाना है। और जैसे यहाँ पे इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है मैंने, तो आपको अपनी फाइल के अंदर नाम लिखना है कि डायग्राम ये किस चीज़ का है, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। एंड एनिमल और प्लांट सेल के बीच का जो डिफरेंस मिल जाएगा वो भी आपको चैप्टर 1 के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके पॉइंट्स को निकाल कर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। डी नंबर पे दे रखा है यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इनके बीच का डिफरेंस, तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 के अंदर, आप वहाँ से इसको आराम से देख कर लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको दे रखा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 9 के अंदर, आप चाहें तो इसे वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी, क्योंकि ये जितने भी आंसर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं वो सब मैंने इग्नू की बुक से और थोड़ी सी गाइड की हेल्प से आंसर्स को लिखा है, और आप चाहें तो अपनी बुक से भी इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके बुक में अवेलेबल है और चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उसे इनका पीडीएफ व्हाट्सएप पे परचेस कर सकते हैं, आप किसी भी असाइनमेंट का पीडीएफ मुझसे व्हाट्सएप पे परचेस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर दे रखा है आपको डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन प्रोकैरियोट्स, तो ये जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 14 के अंदर, तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर सकते हैं टीन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें। और असाइनमेंट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की सॉल्व असाइनमेंट की। तो आप देख लीजिए इनका आंसर, ये चैप्टर 14 के अंदर आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर एक फिगर है वो मेरी बुक में क्लियर नहीं दे रखा है, तो आप चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे दे रखा है व्हाट इज सेल साइकिल एंड एक्सप्लेन हाउ सेल साइकिल टाइम्स आर डिटरमाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल साइकिल वाले क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका आंसर आपको चैप्टर 16 के अंदर मिल जाएगा, और आपकी जो फाइल के पेजेस होंगे वो 25 या 26 पेजेस में आपको इस फाइल को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप बीएससी के हो तो आपको इतने इतने पेजेस में अपनी फाइल को ज़रूर प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-12 पेजेस की फ़ाइल बना कर ले गए तो उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लगभग आपको अपनी फाइल को 25 से 30 पेजेस के बीच में आपको अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ए नंबर पे, बी नंबर पे मेसेनकाइम एंड सी नंबर पे प्रोटॉन पंप इन फोटोसिंथेसिस एंड साइक्लिक एएमपी एज सेकंड मैसेंजर, तो टाइप ऑफ बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 5 के अंदर, आप चाहें तो इसे वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये है आपका मेसेनकाइम वाला क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर 19 के अंदर से मिल जाएगा इसका आंसर, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं। एंड
सी नंबर पे दे रखा है आपको प्रोटॉन पंप इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 8 के अंदर। अब चैप्टर 8 की हेल्प से इस आंसर को और थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, वरना इतना आपके लिए काफ़ी है। डी नंबर पे दे रखा है साइक्लिक एएमपी या सेकंड मैसेंजर, तो इसके अंदर यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और असाइनमेंट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।